शिवाजी भाई सर, जैसा अनिल सिन्हा साहब कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जो परिकल्पना है और जिस तरह से हम लोग सोचते हैं वो इंडिया गठबंधन उसकी परिणति है, लेकिन मैं उससे पहले एक और चीज कह दूं, ये एक अजीब सी चीज है कि अरविंद केजरीवाल साहब किसी भी पॉलिटिकल आदमी को अपने साथ नहीं रख पाते हैं। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना, उनको पॉलिटिकल नहीं मानता हूँ। कुमार विश्वास साहब को मैं पॉलिटिकल नहीं मानता हूँ, डॉक्टर आनंद कुमार, मेधा पटकर, हेगड़े, मतलब मैं योगेंद्र यादव जी को भी नहीं उतना मानता हूं। मैं इसलिए कह दूं कि योगेंद्र यादव जी बहुत ज्यादा टेररिस्ट है, उनको मतलब कहीं से एक टिकट उनको चाहिए, वो कांग्रेस दे दे, वो कहीं दे दे, जितनी बेचैनी हो है उनमें। प्रशांत, मतलब मैं इन लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे लोग जो पोलिटिकल है उनको ये नहीं रख पाए। एक दूसरा, जरा मैं आपसे पूछ लूं, जो आम आदमी पार्टी आई थी वो केवल एक नैरेटिव आई थी, मेरे कुछ दर्शक पूछ रहे हैं, एक नैरेटिव था और वो नैरेटिव था लोकपाल। क्या अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल के मुद्दे को ईमानदारी से परस्यू किया? एक तो आपसे ये समझना है, क्योंकि आप भी लोकपाल के लिए खूब आप लोग ने आंदोलन किया था, क्योंकि राहुल गांधी ने अगर अडानी को पकड़ा है तो बहुत कुछ उसका खामियाजा भुगतने के बाद भी वो अडानी के मुद्दे को नहीं छोड़ना है। उनको लग रहा है कि इस देश में अगर कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों और गरीबों और मजलूमों के साथ जुर्म हो रहा है, तो उसका एक बड़ा कारण वो है। लोकपाल जैसी चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल तो जब कुर्सी पे बैठे तो ये बिल्कुल भूल ही गए। मैं इस पे भी जरा आपसे पूछ लेना चाहता हूं, और आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी जो 2 नवंबर को बुलाए गए हैं और शायद ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएं, आपको क्या लगता है? शिवाजी भाई सर। जी जी नमस्कार। अरविंद केजरीवाल के बारे में 2012 में जो अन्ना आंदोलन चला था, तो हम लोग पहले से मान रहे थे कि ये देश की बड़ी एनजीओ हैं, उनकी उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तेजी से मोदी के जो पीछे खड़ा है, वो ये पहले से तय था। और देश के तमाम कारपोरेट्स थे और फोर्ड फाउंडेशन का पुराना इतिहास है 200 वर्षों का, कि दुनिया में वो युद्ध कराता रहा है और आज भी उसका दुनिया में कारपोरेट के लिए कौन सी सरकार अच्छी होगी वो आंदोलन चलवाता है। फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर दो दुनिया में बदनाम है, हिस्ट्री में वो देखा जाएगा उनको। तो अरविंद केजरीवाल रॉकफेलर से और फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, और उसमें सिसोदिया साहब भी जुड़े हुए थे, इनके 5-6 एनजीओ थे। और अन्ना आंदोलन, अन्ना जो है खुद ही 6 एनजीओ उनकी थी, जिसमें 4 एनजीओ ब्लैकलिस्टेड थी, तो एक बड़े एनजीओ का जो है आंदोलन था पूरा, ये सभी लोग जानते थे इस बात को। अन्ना को रामलीला मैदान में जो हेलीकॉप्टर दिया था वो नवीन जिंदल ने दिया था, तो कारपोरेट नवीन जिंदल कांग्रेस के अंदर थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर अन्ना को दे रहे थे, अपने खिलाफ आंदोलन चलाने की दे रहे थे, और सांसद भी कांग्रेस के थे नवीन जिंदल। पहला चंदा देने वाले नवीन जिंदल थे जो कारपोरेट हैं जिंदल ग्रुप के, और उन्हें 25 लाख रुपए चंदा अन्ना आंदोलन को दिया था, और आरएसएस पीछे थी। तो मोदी जी को ले आने का काम जो किया है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसके वो बड़े अपराधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं इस मामले में। और देश की जो स्थिति बनी हुई इसके बड़े वो जिम्मेदार माने जाएंगे, और हिस्ट्री आज की लिखी जाएगी। और अनिल सिन्हा जी बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, और विद्वान हमारे सभी लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को, कि माफ नहीं किया जाएगा इस बात। और दूसरी चीज ये है कि कहीं से भी अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल नहीं है, कंप्लीट एक कूटनीतिक व्यक्ति है जो इस्तेमाल होते हैं, और उन्होंने एक बड़ा गेन किया है IRS से लेकर के और नौकरी जान, 3 साल उन्होंने जो वॉल स्ट्रीट आंदोलन के बारे में उन्होंने वहां अमेरिका में ट्रेनिंग लिया है 3 साल, वो जो है वो स्टडी लीव पर रहे हैं अमेरिका में, जाकर रहे हैं स्टडी लीव किया पर मिला उनको नौकरी करते हुए, और वहां जाकर के उन्होंने वॉल स्ट्रीट आंदोलन को सीखा। जन लोकपाल एक बिल्कुल कारपोरेट द्वारा उठाया गया खेल था, लेकिन रिप्लेस करना था इनको, कांग्रेस को रिप्लेस करना था, और कोई रास्ता नहीं बचता था, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझे एक मिनट में, किस देश में जो सबसे बड़ा आंदोलन चला था वो लैंड इक्विजिशन 1894 के खिलाफ चला था, चाहे वो नंदीग्राम हो, सिंगूर हो, देवरिया में, कुशीनगर में जो मैथरे का मामला हो, कर्चना का पावर प्लांट का मामला हो, या तमाम जगहों पर 10 लाख हेक्टेयर जमीन कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर और स्पेशल डेवलपमेंट जोन के नाम पर 10 लाख हेक्टेयर जमीन दी गई थी किसानों को छीन करके। उसमें अंबानी की भी जमीन थी, 25,000 एकड़ जमीन थी जो महाराष्ट्र में दी गई थी, वो उनको कार्पोरेट फार्मिंग के लिए दी गई थी। नए कानून जो 2013 में अमेंडमेंट होता है
मैं ये मील का पत्थर है, यानी कहा जाए कि वो भारतीय राजनीति का एक ऐसा बिंदु है कि उसको अनदेखी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। और G23 कांग्रेस के अंदर जो बना वो जमीन अमेंडमेंट के खिलाफ G23 बना, उसमें अंबानी के लोग थे कांग्रेस के अंदर, जो लगातार इधर आके उभर करके मामला आया हो। तो 2013 का जो अमेंडमेंट है, जमीन का जो कानून का अमेंडमेंट है, वो एक बिल का पत्थर है जिसके खिलाफ कारपोरेट ने लॉबिंग की और अरविंद केजरीवाल को आगे किया। RSS उसके पीछे थी, पूरी भाजपा उसके पीछे थी, ये खेल हुआ। अरविंद केजरीवाल उसके पार्ट हैं। अगर जो अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो मानना चाहिए कि वो उसके पार्ट नहीं रहे हैं, लेकिन वो जेल नहीं जाएंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और बाकी जो सिसोदिया हैं, और ये तो राजसभा में नहीं जा रहे थे, बगावत किया इन्होंने, संजय सिंह राजसभा में नहीं भेज जा रहे थे, और तमाम पॉलिटिकल लोग उनके साथ गए, अरविंद केजरीवाल साथ, प्रोफेसर आनंद गए, प्रधान भूषण जी गए, जोगिंदर और तमाम लोग गए थे देश के अंदर, वो कैसे किनारे किए गए उनको देखिए, जो कंप्लीट उनके ऊपर डिपेंड था, और जो एनजीओ मार्किया लोग थे वो उनके साथ रह गए थे, बाकी उनके साथ कोई टिका नहीं, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो ये जो आज जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं पर नुकसान अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मोदी के लिए भी नुकसानदायक है आज की तारीख में, ये स्थिति है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया जो है, इंडिया की स्वीकारोक्ति देश के अंदर बन गई है, और देश के लोग जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी चीज है जो मोदी को रिप्लेस कर सकती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं बचता है। और जनमानस ने इंडिया को स्वीकार कर लिया है, इंडिया के रूप में स्वीकार कर लिया है, जनमानस ने स्वीकार किया है। अब उसमें कोई अरविंद केजरीवाल हो या अभिषेक जो है वो बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, ये लोग जो है इंडिया का नुकसान नहीं कर सकते, ये मानना चाहिए पॉलिटिक्स में आज की तारीख में। जैसे एक JP मूवमेंट हुआ था, वो जो बिल्कुल उस समय की अपरिहार्यता थी कि निश्चित रूप से उस मूवमेंट के लोग साथ खड़े हो गए, एक कंडीशन बनी थी। और एक दरेड़ साड़ी किताब आई है, दरेड़ साड़ी सोनिया जी की लाइफ में है, उसकी जीवन जीवनी पर है, लेकिन उसमें इंदिरा जी का एक वर्जन है। वो कहती मुझे पता नहीं चल पा रहा था, मेरी सूचना क्यों नहीं मिल पा रही थी, बाहर क्या हो रहा है। आज के तारीख में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा है कि राजा की जान उस पिंजरे में मन तोते के अंदर है, ये बात साफ कहा है। इसका मतलब तय है कि नफा नुकसान का जो मामला है, पूरी पॉलिसी वो तय हो रही है अब अडानी के यहां से तय हो रही है, अब वो मोदी जी के यहां से नहीं तय हो रही, वो नफा नुकसान अब अडानी का है कि हमारा नफा नुकसान कितने में है, अब उस पर देखा जाना चाहिए कि नफा नुकसान का जो मामला है अरविंद केजरीवाल को जेल जाने में है या जेल से बाहर रहने में। लेकिन अब एक बात यह भी तय है कि अब कारपोरेट को मोदी की चिंता नहीं है कि मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपनी सुरक्षा के मामले में जहां तक होगा उसका इंतजाम करेगा कारपोरेट। कारपोरेट को जितना मुनाफा लेना था देश से और देश का जितना शोषण करना था उन्होंने लूट लिया है कंप्लीट। ये हिस्ट्री भी इस तरह की हुआ है कि जिस तरह से जर्मनी की लूट किया था कारपोरेट ने और हिटलर को जितना चाहा था इस्तेमाल किया था, आज कारपोरेट ने भारत में, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं आएगी अभी सामने, वो क्या नाम है, अभी चर्चा किया था अखिल स्वामी जी ने, चर्चा अभी किया था हिटलर, हिटलर को भी इसीलिए खड़ा किया कितना मुनाफा लूटा जा सके, और आज लूटा है, एक कंडीशन बनी हुई है। लेकिन एक बड़ा नैरेटिव खड़ा हो चुका है विकल्प के रूप में जो इंडिया है, और इंडिया के जो मेन स्ट्रीम में जो कांग्रेस पार्टी है या कहा जाए राहुल गांधी है, जो G23 भी उसके अंदर जो थी वो पता विरोध में नहीं खड़ी हो सकती है, उसकी भी हैसियत नहीं रह गई है, सबकी मजबूरी है कांग्रेस की भी जो राहुल गांधी के साथ चले। आज की तारीख में जनता जानना चाहती है, सुनना चाहती है, राहुल गांधी को सुनना चाहती है, कांग्रेस को सुनना चाहती है, और ये सुनना चाहती है कि मोदी को कैसे हराया जा सकता है, ये सुनना चाहती है। और इसे समझना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टियां, अखिलेश यादव से कमजोर कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं है देश में, ये जानना चाहिए, अरविंद केजरीवाल से कमजोर कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं है, उनकी बड़ी ताकत है, लेकिन वो क्यों क्यों जो है कांग्रेस को स्वीकार किए बैठी हुई है, क्यों जो है वो कांग्रेस साथ खड़ी है, क्योंकि उसको देश की चिंता है। और इसलिए जो कोई भी इंडिया से हट करके अलग जाएगा वही देश विरोधी माना जाएगा आज की तारीख में, उससे जो इतर जाएगा कि वही वही जिम्मेदार होगा, देश की दुर्गति का जिम्मेदार वही होगा, क्योंकि जिन लोगों ने वो अन्ना आंदोलन में बड़ी मदद की अरविंद केजरीवाल साथ खड़े हुए, आज मैं कह रहा हूं कि वो जिम्मेदार है इस देश की दुर्गति के,
उसी तरह से इंडिया कोई पार्ट जाएगा, कहीं पर भी जाएगा वो जिम्मेदारी लेगा। नहीं, हम हमारे वजह से ये जो है मोदी जो है सरकार बच गई है या भाजपा की सरकार बच गई है। शिवाजी भाई साहब कंक्लूड करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल इसमें कोई हिस्सा नहीं है बड़ा, कोई बहुत बहस का मुद्दा नहीं आज के तारीख में जनता में। जाए और जो अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, जितना वो राजस्थान में प्रभाव डाल सकते हैं ना, वो मध्य प्रदेश में डाल सकते हैं। अगर जो जेल जाते भी हैं तो वोट नहीं बढ़ेगा कहीं पर भी इनका, क्योंकि जनता की निगाह जो है बिल्कुल बीजेपी हराने में है। वो कहीं डिवीजन नहीं कर सकती आज के तारीख में, कहीं नहीं होगा डिवीजन। इसलिए लेकिन इनको जेल नहीं भेजेंगे लोग। अभी वो एक बयान आया है, आस्थी का बयान आया, कोई वहाँ नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो सारी आम आदमी पार्टी के अंदर, कि ये अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो लिस्ट में स्टालिन है और सुरेन है और ये अखिलेश यादव का भी नाम उसमें मैं देख रहा था, कहीं देख रहा था। नहीं 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 अखिलेश यादव का नाम नहीं है, आतिशी जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने किसी का नाम, तीन चार लोगों का नाम है। जी मैं शिवाजी भाई साहब बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय नहीं है, बस एक चीज और, 2 तारीख को एक चीज और होने जा रही है। 2 तारीख को महुआ मैत्रा का भी पेशी है एथिक्स कमेटी में, तो क्या 2 लोग जेल जाएंगे उस दिन? क्योंकि उस दिन उसी दिन गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या, कि उसकी गिरफ्तारी में थोड़ा टाइम लगेगा? नहीं, अभी गिरफ्तारी की संभावना नहीं है, अभी तो महुआ मोहित्रा का अभी तो जवाब लेंगे, बड़ा लंबा प्रोसेस है उसमें, जेल जाने कोई बात नहीं है कि नहीं वो जेल भेज देंगे, अभी तो प्रक्रिया बहुत लंबी उसमें है। इसमें भी हमें नहीं लगता है कि जवाब जेल जाएंगे, लेकिन यह कि अब तय करेंगे जो कॉरपोरेट जगत तय करेगा कि उनका नफा नुकसान कितना है, इससे वो तय होगा कि अरविंद केजरीवाल की जरूरत है कि नहीं है। जरूरत नहीं होगी तो जाएंगे, लेकिन ये भी पूरा जो तय होगा आसानी से नहीं होगा तय उनको ले जाने का, क्योंकि इतना जल्दी गला दबा के मार देंगे उसको, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको इतना जल्दी क्यों मार देंगे, हल्ला मच जाएगा कि बच्चे को मार क्यों दिया। इसलिए जो वो ऊपर बैठा जो रॉकफेलर है और वो ये भी उससे जुड़े हुए हैं, जो फोर्ड फाउंडेशन है, तय करना होगा उनको कि लूट अभी बाकी है या कौन हथियार अभी नया हुआ है, इस तरह तय करना होगा उनको, थोड़ी देर इसमें है अभी। जी जी जी